Welcome to Study IQ, and I am Amit Waridi Kilor. This is Lakshmikant in 100 Hours Lecture Number 3. इस हम कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मीकांत को 100 घंटे में करने की. अगर आप कंटिन्यूएशन में सारे के सारे लेक्चर करेंगे तो आप लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज कंप्लीट पूरी की पूरे कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे. हम दो लेक्चर पहले कर चुके हैं, आज है तीसरा. इस तीसरे लेक्चर में हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे. आज से पहले हमने लक्ष्मीकांत पे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है संविधान की उसके बारे में पढ़ा है, उसके बाद आखिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये जाना है. अब हम बिल्कुल उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग एंड टॉकिंग अबाउट क्लॉज टू क्लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जिस चीज के लिए हम बेसिकली यहां पर एकत्रित हुए हैं. हाउएवर उससे पहले एक और छोटा सा स्टेप बचा हुआ है, जस्ट टू गेट ए ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसमें हमारे लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 3 है जिसमें सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताए जाते हैं. बहुत ही सरल है, इसमें से एमसीक्यू के कोई क्वेश्चंस आने की संभावना नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है और वो जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर है वो आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कशन होगी. तो चिंता की कोई बात नहीं है, इसको एक बार पढ़ना जरूरी होता है ताकि आप समझ सके कि बेसिकली संविधान आखिर है क्या चीज. ठीक है, मेंस में डेफिनेटली इनसे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं. हाउएवर इट इज अ ट्रीमेंडसली ईजी चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा का चैप्टर है, पढ़ना है और कुछ कुछ शब्दों का अर्थ समझना है एंड देन नथिंग एल्स. ये चैप्टर खत्म होते ही चैप्टर 4 में प्रीएम्बल यानी कि जो हमारे संविधान की उद्देशिका है उसके बारे में डिस्कशन होता है. प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से पहले उसकी एक समरी, एक उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव प्रकार से ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना चाहता है उसकी एक विजन, उसको बताने के लिए उसको स्टार्टिंग में प्रीएम्बल कहा गया है. वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब सबसे पहले प्रीएम्बल है तो सबसे पहले प्रीएम्बल से ही स्टार्ट करेंगे. इन दी लेक्चर नंबर 4 वी विल ऑल डायरेक्टली कम टू दी आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हम इसके आगे उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एंड इट इज ट्रीमेंडसली इजी, लेट मी गारंटी यू दैट. फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो आप सरलता से इसके अंदर देख सकते हैं कि बहुत आसान है, ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इसमें तो कोई जानने वाली बात ही नहीं है, हमारे पास लिखी हुई किताब है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे सोर्सेस से लिया गया है. देखिए सेलिएंट फीचर्स आप सुनेंगे तो बहुत ही सरल आसान लगेंगे कि ठीक है बहुत सारे फीचर्स बहुत सारे सोर्सेस से लिया गया है. ठीक है, अब हमारा जो संविधान है वो सिर्फ 70 साल पहले लिखा गया है, उससे पहले कई सारे से संविधान लिखे जा चुके थे. सो वी हैड ए कंप्लीट व्यू पॉइंट कि किस किस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं, तो हमारे पास पहले से ही एक्सपीरियंस का फायदा था. वेरियस सोर्सेज से हमने अपने संविधान के अंदर कुछ कुछ पार्ट्स लिए, उसको स्टडी करना होता है. फिर हमारे संविधान में रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है. कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल नहीं बदलती और कुछ चीजें होती हैं जो बहुत आसानी से बदल जाती हैं. आपके भी दोस्तों में भी ऐसा ही होता होगा. हमारे संविधान में भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, देर आर सम पार्ट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बदलना बहुत मुश्किल है, सम पार्ट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आसानी से बदले जा सकते हैं. यही एक प्रॉपर्टी है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की. उसके बाद फेडरल विद यूनिटरी बायस, अलग अलग प्रकार के संविधान. याद रखिए जब हम फीचर्स पढ़ेंगे ना तो हमेशा प्राइमरली दो जो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, यूनाइटेड किंगडम की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ठीक है, और उसके बाद हमारी जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो इंडिया. तो हम जब भी कुछ ये प्रॉपर्टीज फीचर्स पढ़ रहे होते हैं ये बेसिकली उनके रिलेटिव में पढ़ रहे होते हैं, उनमें से किसी एक का यूनिटरी बायस होगा, किसी एक का फेडरल बायस होगा, इस प्रकार से. तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हमारा कैसे है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगेन यूएसए का प्रेसिडेंशियल है, यूके का पार्लियामेंट्री है, फिर हमने उसमें से थोड़ा सा बदलाव करके कैसे लिया है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये हर मोर और लेस हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अब ये सबसे कॉमन चीज है. और उसके बाद हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके और मेरे और हर एक नागरिक के जो कि भारत में जन्म लेता है या भारत का नागरिक होता है, उसके अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल द बेसिक. उसके बाद डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य यानी कि जो सरकार है, जो स्टेट है, उसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे पॉलिसीज बनाने के, एंड देन फंडामेंटल ड्यूटीज, आपकी और मेरी
अगर अधिकार हमें मिले हैं तो हमारा कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं अपने देश के लिए, अपने दूसरे नागरिकों के प्रति, वो वाली। दीज आर दी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेसिस है, थोड़ा थोड़ा सुनना है और बहुत आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये बहुत ही लेंदी है, लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सॉवरेन कंट्री है। अब ये हमने कल ही पढ़ लिया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया है। 1946 से लेके 1950 तक का उनको समय लगा था। एग्जैक्टली में उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था 29 अगस्त के बाद, ठीक है। तो अराउंड 2 साल 11 महीने के समय लगता है और हमारा संविधान बन जाता है। अब ये लेंदीएस्ट लिखने के कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये लेंदी इसलिए था, देखो जो सबसे बेसिक रीजन है वो इसलिए था क्योंकि इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है वहां से लिया गया था। वो खुद एक्ट बहुत डिटेल्ड में था तो हमारे सामने भी हमने वहीं से स्ट्रक्चर उठाया, हमने उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं समझी। तो बेसिकली एक तो उसके अंदर से जो वर्बैलिटी है, जो वर्बोजनेस, जो वर्ड्स हैं बड़े सारे से, वो आ गए। दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर, देश ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा देश है, उसमें पूरे के पूरे देश के अंदर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी था और उसको डिटेल में देना और भी ज्यादा जरूरी था। हेंस इट एक्चुअली बिकम द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। सेंटर और स्टेट, केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकारों के लिए, दोनों के लिए एक ही संविधान है। यूनाइटेड स्टेट्स का जब संविधान बना था ना तो उसमें 7 आर्टिकल थे, 7 आर्टिकल्स, और 4 महीने में बना लिया गया था। 4 मंथ में बना के 7 आर्टिकल बना के संविधान रेडी हो गया। अब पहले इसलिए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है, उनकी हर एक राज्य के पास अपना खुद का संविधान है, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे राज्यों का कोई अलग संविधान नहीं होता है। राज्य भी वही संविधान यूज करते हैं जो कि केंद्र यूज करता है, तो ऑब्वियसली डिटेल दोनों की इन्फॉर्मेशन थी, यूनियन गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की, तो हेंस इट एक्चुअली बिकमिंग लॉन्गर। हिस्टोरिकल फैक्टर्स और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, यही रीजन है कि हमारा लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई खास बात नहीं है, बहुत सरल है, देयर इज नथिंग एल्स, इसमें कुछ याद करने की जरूरत बात नहीं है, बट ये समझने की बात है, एक नॉर्मल फैक्ट है लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोई किसी एग्जाम में किसी दिन बाई चांस से पूछा जा सकता है। जो विश्व का सबसे लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो है अलबामा का, ये हमने कल भी बात किया था। अलबामा का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट्स अ स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हाउएवर दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू दैट स्टेट एंड नोवेयर एल्स। सॉवरेन नेशंस की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट वन। फिर बहुत सारे सोर्सेज से ड्रॉ किया गया, ठीक है। हमारा जो स्ट्रक्चर, टू अ लार्ज एक्सटेंट द स्ट्रक्चरल पार्ट, बेसिकली द 60% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। सरल बात है। फिर इसके जो फिलॉसफी वाले पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, एंड बिलीव मी दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फिलोसफिकल पार्ट है ये हमने लिए हैं अमेरिकन, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अधिकार जो हैं, हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, और जो डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल्स हैं वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, फिलोसफी वहां से आई है दोनों की। पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट, रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज बहुत सारे हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भारत संविधान की कौन कौन सी चीज, डीपीएसपी कहां से लिया गया है, अधिकार कहां से लिए गए हैं, ऑर्डिनेंसेस कहां से आते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से आते हैं, वी नीड टू दिस। उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है और वो सीधा सीधा कॉन्सेप्चुअल नहीं, थोड़ा सा रट्टा लगाने का है। आपको पता होना चाहिए भारत संविधान का कौन सा पार्ट किस सोर्स से लिया गया है और उसको हम एक टेबल बनाकर पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब है, इसको अगर आप रिलेटिव में देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेटिव में देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी एक संविधान है, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उनका जो संविधान है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव लाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, कम से कम नहीं तो 1789 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। विद इन नेक्स्ट 1 to 2 years उन्होंने 10 amendments कर दिए थे एक ही दिन के अंदर अंदर, 10 amendments, 10 amendments। इन 10 amendments को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, याद रखिए। बेसिकली जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड नहीं थे, फिर उन्होंने एक ही दिन के अंदर अंदर 10 amendments करके वो 10 fundamental rights अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एड किए। वो 1791 में हुआ था।
उस दिन से लेके 1791 से लेके 2021 तक 200 साल से ऊपर का समय हो चुका है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 16 अमेंडमेंट किए हैं। आज तक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 200 सालों में सिर्फ 16 अमेंडमेंट हुई हैं। भारत में 70 सालों में 104 अमेंडमेंट हो चुकी हैं एंड आगे भी होती रहेंगी। तो यहां पर रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझिए। रिजिड का मतलब बदला नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल लगती है बदलने में उस चीज को, यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट जो होते हैं उनमें सालों साल डेकेड लग जाते हैं कई बार उनमें अमेंडमेंट करने के लिए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 200-250 सालों में सिर्फ 16 अमेंडमेंट हो पाई है। भारतीय जब जरूरत पड़ती है तो हम एक साल में 2-3 कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, परंतु जरूरत पड़ने पर कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि बड़ी आसानी से अमेंड कर दिए जाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कैसे होगा, बदलाव कैसे होंगे, चेंजेस कैसे इंक्लूड किए जाते हैं, ये हमारा दिया गया है अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर एक प्रोसेस दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। इसी आर्टिकल में, इसी अनुच्छेद में दो अमेंडमेंट दिए हुए हैं। एक तो जो डिफिकल्ट है, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बदलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, which can be amended by a special majority of parliament, that is 2/3 majority of members of each house present and voting, and a majority that is more than 50% of the total membership of house. Difficulty in changing का मतलब ये होता है कि जितने member of parliament हैं, कितने ज्यादा लोगों को मनाना पड़ेगा उस चीज को बदलाव करने के लिए। तो difficulty का मतलब ये है, जब जितने भी लोग उस दिन पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो उसके कम से कम 67% लोगों को यह मनवा दिया जाए कि यह बदलाव कर लिया जाए। और इजी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जो कि सिंपल स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड विद द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, ये भी डिफिकल्टी वाला है। और कुछ ऐसे जो कि सिंपल मेजोरिटी से जितने भी लोग हैं बस 50% बोल दें कि ये बदलाव कर दिए जाएंगे तो बदलाव कर दिए जाएंगे। और ये 2/3 सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मेंबरशिप, जितने लोगों की मेंबरशिप है उतनों पे नहीं, जितने लोग उस दिन प्रेजेंट हैं और वोटिंग है, यानी कि जितने लोग आए हैं उसका 2/3 मेंबर होना बहुत जरूरी है। सो इट्स ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। भारत का जो संविधान है कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बड़ी आसानी से बदले जा सकते हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, आपने ये जनरली अज्यूम किया होगा या फील किया होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से बड़ी है और थोड़ी ज्यादा पावरफुल। आई थिंक ये आप लोग वैसे जनरली भी देखेंगे अगर कोई संविधान ना भी पढ़ता हो तो। ये भी अगेन अगर इसको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में देखा जाए तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है वो एक फेडरल डेमोक्रेसी है। फेडरल डेमोक्रेसी के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि टू गवर्नमेंट्स, दो सरकार होती है, केंद्र सरकार एक राज्य सरकार। तो अमेरिका की एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके बाद हर स्टेट की अपनी खुद की भी गवर्नमेंट होती है। अब ऐसे भारत में भी है। दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर्स, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो केंद्र गवर्नमेंट होती है उन दोनों के बीच में अलग अलग पावर्स होती है। आपको पता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिन पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, यानी कि पावर्स को डिवाइड किया गया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन जनरल जो फेडरेशंस होती हैं वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बल पर ही चलती हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि जो फेडरल यूनिट है और जो सेंट्रल यूनिट है उन दोनों की पावर्स को डिफाइन किया गया हो। अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पर क्लैश रेगुलरली होता रहेगा। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो फेडरल प्रोविजंस हैं, जो भी स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशंस डिफाइन करते हैं अनुच्छेद, उनको बदलना मुश्किल है। इट इज नॉट वेरी इजी टू चेंज। वो ऐसा नहीं है कि वो सिंपल मेजोरिटी से बदल दिए जाएंगे, उसमें स्टेट को भी रेटिफिकेशन, यहां पे जैसे कि हमने लिखा हुआ है आप देखिए, सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। यानी कि जो जो फेडरल प्रोविजंस होते हैं जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिश्तों को डिस्कस करते हैं, अगर उसमें कोई बदलाव लाना पड़ता है तो उसके लिए जितने भी देश में राज्य हैं उनके 50% राज्यों के विधानसभा का भी रेटिफिकेशन चाहिए होता है। तो मतलब रिजिडिटी है, आसानी से इस फेडरलिज्म को नहीं बदला जाएगा। परंतु इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे यूनिटरी फीचर्स भी हैं, यानी कि जो सिंगल एक
पावरफुल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताता है, जैसे कि सेंटर बहुत ही स्ट्रांग है। इन बेसिस पे अगर देखा जाए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन पे, वी वुड रियलाइज एक जगह पे मॉरली सेंटर और स्टेट ऑटोनोमस हैं और इक्वल है, परंतु सेंटर के पास स्टेट से ज्यादा अधिक पावर्स होती है, स्ट्रांग है सेंटर। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में दो सिटीजनशिप है, इसीलिए वो फेडरल है और बेसिकली यूनिटरी बायस नहीं है वहां पर, वहां पर एक स्टेट का भी सिटीजनशिप। भारत में आप सिर्फ एक ही नागरिक है, सिर्फ भारतीय हो सकते हो, बाकी और कोई भी सिटीजनशिप नहीं हो सकती है आपके पास। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बदलाव होना बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ कुछ ऐसे। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जुडिशरी जो है वो एक साथ एक दूसरे से एसोसिएटेड है। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो वो हर पूरे के पूरे देश की जितनी भी छोटी कोर्ट्स होती हैं उन सबको मानना होता है, उनके लिए वो कानून बन जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड एमर्जिंग प्रोविंसेस, ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं, ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि यूनिटरी गवर्नमेंट में पाए जाते हैं। इस स्लाइड में क्या करना है, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है इस स्लाइड में कि कौन सा फीचर फेडरल होता है और कौन सा फीचर यूनिटरी होता है। अगर इसको पढ़े तो दोबारा से ध्यान करते वक्त इन चीजों पर ध्यान रखिए कि जैसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज ए यूनिटरी फीचर, उसी प्रकार से सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल फीचर, बायकैमरलिज्म इज ए बायकैमरलिज्म, ये भी बात ध्यान रखिए, यानी कि जो राज्यसभा और लोकसभा है, दो हाउस है पार्लियामेंट के, बायकैमरलिज्म, एक राज्यसभा है, सिर्फ स्टेट्स का हाउस है, उसमें से स्टेट में से लोग चुन के आते हैं, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक फेडरल कंट्री की पहचान है। ये बातों को आइडेंटिफाई कीजिएगा इस स्लाइड में से। दूसरा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, जब हमारा भारत का संविधान बन रहा था तो वी हैड टू ऑप्शंस, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले सकते थे, चाहते तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले सकते थे। अब इस पर डिबेट बहुत सारा हुआ था, परंतु फाइनली लॉजिकली बात है कि पिछले 100 सालों से भाई हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी है ना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें यही तो बता रही है कि 200 सालों से हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की आदत पड़ी हुई थी। वी न्यू हाउ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स, इन एंड आउट पता था, क्योंकि पिछले 200 सालों से मोर और लेस उसी का एक डाइल्यूटेड वर्जन भारत में चलता था। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ज्यादा कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी, प्रेसिडेंशियल जो कि ट्राई ही नहीं किया गया था, इतनी नई में कैसे जाते, तो हमने लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफिकली डायरेक्ट इंस्पिरेशन था ब्रिटिश वाले सिस्टम से। ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो यहां बैठता है, उसको कभी कभी वेस्ट मिंस्टर भी कहते हैं, वेस्ट मिंस्टर सिस्टम, क्योंकि उनका पार्लियामेंट जिस जगह पे, उस जगह का नाम वेस्ट मिंस्टर है। यहां पर थोड़ी दूर बकिंगम पैलेस, उनका राज, उनकी रानी का घर, ये बिग बेन है, आपने कभी मूवीज में एक बड़ी सी घंटी देखी होगी, लंदन का जो एक लैंडमार्क है बिग बेन द क्लॉक, और ये 10 डाउनिंग स्ट्रीट है जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का जो ऑफिशियल रेजिडेंस है। नेवरदलेस जो ये पार्लियामेंट है वेस्टमिंस्टर, इसको वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि मोर और लेस ये ब्रिटेन से ही निकला है। हमने ये लिया, कुछ डिफरेंसेस थे, फॉर एग्जाम्पल इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, आते हैं इसके बारे में। सेकेंड, द इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड व्हाइल द ब्रिटिश स्टेट हैज हेरिडिटरी हेड। अब ये तो हमें पता है कि ब्रिटेन में महारानी होती है, मोनार्की, अब आज भी वो मोनार्की फॉलो करते हैं, राइट, लेकिन भारत में इस प्रकार का कोई भी नहीं है। भारत एक रिपब्लिक है, रिपब्लिक कहने का अर्थ है कि जो हमारा स्टेट का हेड होगा, यानी जो हमारा राष्ट्रपति होगा, वो चुनकर आएगा लोगों के पास, इट इज इलेक्टेड। हम मोनार्की या हेरिडिटरी वर्जन पर नहीं बिलीव करते हैं, एकदम हम प्योर डेमोक्रेसी है, लेकिन वो वहां पर थोड़ी सी मोनार्की की कुछ ना कुछ संयोजना बची हुई है। उसके अलावा वहां पर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, सॉवरेन बॉडी है, लेकिन भारत में पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाए तो उस लॉ को नहीं बदला जा सकता किसी और दूसरे लॉ का नाम लेकर, लेकिन अगर इंडियन पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है, लेकिन अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है तो उसको बदल दिया जाएगा। यानी पार्लियामेंट इज नॉट द मोस्ट पावरफुल बॉडी, सॉवरेन बॉडी नहीं है पार्लियामेंट, संसद जो है सारे लॉ वही बनाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो कि संविधान के अगेंस्ट हो। ब्रिटेन वेरी टेक्निकली स्पीकिंग
कैन मेक एनी लॉ व्हाटसोएवर. जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट है वो किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बना सकता है और उनको नहीं रोका जा सकता है. सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. अब यही जो ब्रिटेन के इसी कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा नया फीचर है. कुछ देश हैं जहां पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है, यानी कि जो कोर्ट्स हैं, जो जुडिशियरी सिस्टम है वो सबसे बड़ा है, सबसे पावरफुल है, सुप्रीम है. कुछ लोग हैं जहां पर पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सॉवरेन है. तो एग्जाम्पल पे लीजिए ब्रिटेन. ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है. अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ कह देती है, पार्लियामेंट आके उसको बदल सकता है और उनके पास फिर कोई खास शक्ति नहीं बचती है. पार्लियामेंट इज द सॉवरेन बॉडी. जुडिशरी जो है थोड़ी सी कमजोर है पार्लियामेंट से. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जुडिशरी जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अत्यंत पावरफुल है. अगर वो किसी लॉ को, इंडीड द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. इन दोनों एक्सट्रीम वर्जन के बीच में भारत ने एक बैलेंस अपना लिया. द सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी. यहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, सॉवरेन नहीं है, क्योंकि हमारा यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. यहां पर जुडिशियल सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी वर्ड नहीं है, परंतु एक बैलेंस बना हुआ है कि जुडिशरी के पास इस बात की शक्ति है कि वो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के द्वारा दिए गए किसी भी काम को रिव्यू कर सकता है कि क्या ये जो भी काम कर रहे हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है. तो यानी कि इनका अलग अलग सेपरेट बनाया हुआ है. सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद ब्रिटिश पार्लियामेंट, वेयर इज द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इज एसोसिएटेड विद द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट. वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट बोला जाए तो वो होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. हाउएवर इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो ट्रीमेंडसली पावरफुल. उसके पास अथॉरिटी है संविधान को इंटरप्रेट करने की. बट मोर इंपॉर्टेंटली वो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए गए काम को रिव्यू भी कर सकती है, बट ऑलवेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उससे आउट ऑफ द वे नहीं जा सकती. ये काम पार्लियामेंट जो यूनाइटेड किंगडम का वहां नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सॉवरेन बॉडी है. उसके बाद हमारे मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के अंदर, एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर. बेस्ट चैप्टर एवर. जब ये आएगा लक्ष्मीकांत में, वी विल स्टडी इट इन डिटेल. इसमें कहने का सिंपल मतलब है, हर नागरिक के, आपके, मेरे, आपके मित्रों के, जिसको भी आप जानते हैं, उन सबके कुछ मौलिक अधिकार है जिनको ना कोई नागरिक ले सकता है, ना ही कोई सरकार ले सकती है. और अगर कोई लेगा तो इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट को स्पेशली बनाया गया है, उन अधिकारियों को प्रोटेक्ट, उन अधिकारों की प्रोटेक्शन के लिए. वी विल स्टडी इट इन एज डिटेल एज पॉसिबल. दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब देखिए एक एग्जांपल बताता हूं, ये प्रीएम्बल में आएगा तो पता चलेगा. हमारा एक उद्देश्य, एक जनरल उद्देश्य आप समझ सकते हैं कि हमें जस्टिस, न्याय करना है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल. हर प्रकार का न्याय करना है. तीन न्याय होते हैं अगर आप नोटिस करोगे तो. सबसे पहला पॉलिटिकल है, दूसरा है सोशल, एंड तीसरा है इकोनॉमिकल. पॉलिटिकल न्याय सबसे आसान होता है. हाउ? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. आप कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार लिख लीजिए कि सबको एक वोट एक मत का अधिकार है. वन पर्सन वन वोट. पॉलिटिकली सब इक्वल हो गए. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो अधिकार हैं, ये है पॉलिटिकल न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल इक्वालिटी. That is the easiest. Usually, जब अधिकारों की evolution होती है, rights की evolution होती है, तो सबसे पहले और जो सबसे ज्यादा achievable है वो है political. Immediately दिए जा सकते हैं, immediately कर देते हैं. Then comes secondary social and economical, जो कि difficult होते हैं immediately बदलना, क्योंकि social equality या social justice के लिए पूरे के पूरे समाज को और उनकी सोच को बदलना होता है, जो कि कानून के द्वारा नहीं किया जा सकता. Fundamental rights are trying to achieve the political equality and justice, whereas the DPSP are trying to achieve the social and economical equality and justice. अब हम ये बात समझ गए हैं कि जो political equality है वो fundamental rights के द्वारा आती है, और DPSP का उद्देश्य होता है social and economic democracy, justice या equality को promote करने के लिए. This will also be studied in the detail as much as. पॉलिटिकल इक्वालिटी अचीव करना आसान है, ये इस बात से भी पता चलता है कि जो भी मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, दे आर जस्टिशिएबल. यानी संविधान में जैसे लिखे हैं, अगर उनसे गलत हो गया तो आपको कानून के पास जाने की परमिशन है. सोशल और इकोनॉमिक मुश्किल होते हैं, ये भी इस बात से पता चल सकता है कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है. लिखे हुए हैं, उद्देश्य है, किसी वजह से, किसी वश कारण वो नहीं हो पा रहे हैं, तो कानून के पास नहीं जाया जा सकता. पॉलिटिकली आप मूवमेंट्स चला सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इन अधिकारों को मांग सकते हैं. दूसरा, भारत जो है एक सेक्युलर स्टेट है.
सेक्युलर स्टेट कहने का मतलब है इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। स्टेट तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एथिस्टिक स्टेट, यानी कि जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, इनडीड जो रिलीजन है, धर्म है, उसको डिसडेन और कंटेम्प्ट से देखता है। यूजुअली कम्युनिस्ट स्टेट ऐसी मानी जाती है जो कि एथिस्टिक होती है, यानी कि चाइनीज कम्युनिज्म पे जाएं या फिर हम यूएसएसआर पे जाएं तो वो एथिस्टिक स्टेट्स थे। उसके बाद होते हैं थियोक्रेटिक स्टेट्स, जो कि धर्म को मानते हैं और धर्म के बेसिस पर समाज को चलाने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरेबिया एक थियोक्रेटिक स्टेट है, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पर एक थियोक्रेटिक एलिमेंट है उस स्टेट के अंदर। और तीसरा होता है सेकुलर स्टेट, जैसे कि फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। ये सेकुलर स्टेट है, इनका कोई जो स्टेट है, जो राज्य है, वो किसी भी धर्म को खास परमिशन अपना नहीं मानता है, सारे धर्मों को बराबर नजरों से देखता है। एक टॉपिक है यहाँ पर कि ईस्टर्न सेकुलरिज्म, जो भारत का सेकुलरिज्म है, और जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, जो पाश्चात्य सेकुलरिज्म, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। आने में जब टॉपिक आएगा वी डिटेल में पढ़ेंगे उसको। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एज बेसिस ऑफ द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी नागरिक 18 साल से ऊपर का है उसको वोट करने का अधिकार है, किसी भी बेसिस पर, चाहे कास्ट हो, रेस हो, रिलीजन हो, सेक्स हो, लिटरेसी हो, वेल्थ हो, कोई हैंडीकैप, कोई एनी बडी हुई अबव 18 विल वोट। डिस्क्रिमिनेशन की तो बात ही नहीं है। ये बात ध्यान रखिए कि पहले ये 21 साल हुआ करती थी, तो 1988 में ही बदला गया है इसको। अभी आप 18 साल के बाद ही वोट कर सकते थे, लेकिन 1988 से पहले, यानी आपके पिताजी जो थे वो 18 साल पर वोट नहीं कर सकते थे जब वो 18 के हुए थे, वो तभी वोट कर पाए थे जब वो 21 साल के हुए थे। 1988 के बाद ये बदलाव आ गया है कि अब 18 साल के बाद के कोई भी वोट कर सकता है। सरल बात है। ये है हमारे संविधान की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है। अब देखिए इनके बारे में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना हुआ है, ठीक है। एक तो है पार्ट्स, पार्ट्स मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइडेड है, एक इशू के बारे में डिस्कस करेगा जिसके बीच में जितने भी आर्टिकल आते हैं। तो जैसे यूनियन और इस टेरिटरी के बारे में बात करते हैं 4 आर्टिकल में, फिर नागरिकता के बारे में बात करते हैं, फिर मौलिक अधिकारों के बारे में, फिर डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज, इस प्रकार से। फिर पार्ट 5 है जो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करता है, परंतु ये बहुत बड़ा पार्ट था तो इसको अलग अलग चैप्टर में डिफाइन कर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 151। काफी लंबा टॉपिक है ये। उसके बाद 6th वाला द स्टेट गवर्नमेंट्स है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे। फिर म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, देन इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। फिर यूनियन, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में संबंध किस प्रकार से होते हैं, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट के, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो कि आप यूपीएससी करने वाले छात्रों को इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में, ट्राइब्यूनल्स के बारे में, इलेक्शंस, देन ऑफिशियल लैंग्वेज, कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस, कुछ मिसलेनियस, संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है, अनुच्छेद नंबर 368, ये हमने अभी डिस्कस भी किया है, कुछ टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं मोर ऑर लेस, और उसके बाद बस सिर्फ लास्ट वाले में टाइटल लिखा हुआ है 2-3 में कि क्या टाइटल होगा, कब से शुरू होगा, कमेंसमेंट कब से है, ऑथोरिटेटिव टैक्स इन हिंदी कब से है, जनरल बातें हैं, विल स्टार्ट डिस्कसिंग इट। यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी पार्ट के पीछे कैपिटल लेटर में लिखा होता है तो ये अमेंडमेंट से ऐड किया गया होगा। हमारा जब संविधान स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स थे, टोटल थे 22, उसमें से पार्ट नंबर 7 को डिलीट कर दिया गया, वॉज डिलीटेड बाय द 7th अमेंडमेंट। ऑन द अदर हैंड पार्ट 4A एंड द 14 थे, जो 4A एंड 14A है, इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, पार्ट 9A और पार्ट 9B को ऐड किया गया था 74th एंड 97th अमेंडमेंट से। तो बेसिकली अगर हम देखें, एक डिलीट हो गया था और 4 ऐड हो गए थे, तो टोटल 25 पार्ट्स इस समय भारत के संविधान में हैं। वेरी इजी। अब हम आज से स्टार्ट करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना। और सबसे पहले जिस दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलोगे, द फर्स्ट थिंग दैट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू वुड बी द प्रीएम्बल, उद्देशिका कहते हैं उसको हिंदी में। अब सवाल यह है कि द प्रीएम्बल है क्या।
यूजुअली प्रीएम्बल की जो ये सिस्टम था ये स्टार्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टार्ट विद द प्रीएम्बल. ठीक है, और उसी प्रैक्टिस को फिर हमने भी फॉलो कर लिया अपना संविधान बनने के बाद. जब पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर हमने उसके सामने भी एक प्रीएम्बल लिखा. जस्ट काइंड ऑफ ए बिगनिंग, कोई एकदम स्टार्ट करने से अब्रप्टली ना स्टार्ट करे, कुछ फिलॉसफी, कुछ समरी, कुछ विजन को अंडरस्टैंड करने के बाद करे कि बेसिकली आखिर किया क्या गया था उन मोमेंटस ईयर्स में इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद. ये अमेरिका का प्रीएम्बल है जो कि स्टार्ट होता है वी द पीपल से, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑर्डर. और इस प्रकार से प्रीएम्बल स्टार्ट होता है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद द प्रीएम्बल एंड द सेम प्रैक्टिस वाज फॉलोड. भारत का जो प्रीएम्बल है वो ये है, ये कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं. दिस इज व्हाट द इंडियन प्रीएम्बल सेज. ये इंग्लिश में भी लिखा गया है. इट सेज दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all of its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity to promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individual and the unity and the integrity of India in our Constituent Assembly on this 26th day of 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. This is the Indian Preamble. इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, ये दोनों भाषा में इसको पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा है, याद कर लेना चाहिए आपको, याद होना भी चाहिए आपको. इस कॉन्टेक्स्ट में अब आ गया, नाउ वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग स्टडिंग अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारी पॉलिटी एक्चुअली में अब बिगिन हो रही है. नाउ अब हम कैसे पढ़ेंगे कि ये जो प्रीएम्बल का जो टॉपिक है इससे एसोसिएटेड क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या इश्यूज है. सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए. इसमें जो जो की वर्ड्स हैं उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंड देन जो पॉलिटी पढ़ने का मेन अर्थ होता है. एक्चुअली में कोर्ट्स के सामने रेगुलरली डिबेट आते रहे हैं, तो अचानक से एक दिन हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये डिबेट आ गया कि क्या प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है या नहीं होता है. दिस क्वेश्चन, इसको हमें पढ़ना है अंडरस्टैंड करने के लिए कि आखिर प्रीएम्बल का स्टेटस क्या है. एंड अमेनेबिलिटी, अगर वो पार्ट है तो उसको अमेंड कैसे किया जाएगा, और अगर वो पार्ट नहीं है तो कैसे अमेंड किया जाएगा, और अगर अमेंड किया जा सकता है तो उसके अंदर क्या क्या संशोधन हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न व्हेन इट कम्स टू द प्रीएम्बल. एक क्वेश्चन बनता है इस पे यूजुअली प्रीलिम्स में. प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो अमेरिकन संविधान में सबसे पहले प्रीएम्बल ऐड किया गया था. सेम प्रैक्टिस को हमने फॉलो करके अपने पे लगा लिया. प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. हमने जब लेक्चर 2 स्टडी किया था तो हमने रियलाइज किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिली थी, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उसी असेंबली के अंदर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हो गया. उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का फाइनली समरी बनाकर भारत के संविधान में प्रीएम्बल बना दिया गया. प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. आज तक पिछले 71 सालों में प्रीएम्बल सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है. याद रखिए 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, और उसके अंदर 3 शब्द ऐड किए गए थे,
सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी, यानी कि जब 1949 में 26 नवंबर को फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था तो ये तीन वर्ड नहीं थे, कौन सा, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये जो तीन वर्ड हैं इनको ऐड किया गया है एक अमेंडमेंट के द्वारा। एक छोटा सा प्रीलिम्स क्वेश्चन है, इसको याद रखना। प्रीएम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है और उसमें तीन शब्दों को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इसके बाद एक 44th भी आती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इतनी एक्सपेंसिव थी ये कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है। ये हमारे प्रीएम्बल में जो हमारे जो वो 299 लोग थे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके माइंड को दर्शाता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा था बनाते वक्त संविधान को, कि क्या उद्देश्य है इसके अंदर। हमने मौलिक अधिकार दिए हैं, डीपीएसपी लिख दिया है, सरकार ऐसे बना दिया, हमने कुछ प्रावधान दिए इलेक्शन के, तो वो रीजन था। प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ दोज फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर्स। ठीक है, अब कीवर्ड्स को पढ़ना बहुत आसान है इसके अंदर। अगर हम संविधान में बात करें, सॉवरेन, सॉवरेन का सरल मतलब होता है वी आर सुप्रीम, भारत के ऊपर ना कुछ है ना कुछ रहेगा, हम अपने खुद के निर्णय स्वयं अपने आप लेते हैं, हमारे ऊपर किसी भी चीज का एक्सटर्नल या किसी प्रकार का इंटरनल प्रेशर नहीं है, वी विल चूज अवर डेस्टिनी ऑन अवर ओन। सॉवरेन का मतलब है संप्रभुता। इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, इंडिपेंडेंट स्टेट फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर बोथ इंटरनल एंड बोथ एक्सटर्नल, संप्रभुता लिखी गई है। सोशलिस्ट है, कांग्रेस पार्टी ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को डाला गया था अवादी सेशन में, इट्स अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है एक बार, फिर से याद कर लीजिएगा, अवादी सेशन में। इंडियन ब्रांड, अब सोशलिज्म जो वर्ड है वो आप कई बार पढ़ते हैं, एंड सोशलिज्म इज अ हैट विच हैज बीन वोर बाय मेनी हेड्स एंड हेंस इट हैज लॉस्ट इट्स शेप। सोशलिज्म का वर्ड अलग प्रकार से कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव मीनिंग रखता है, कुछ के लिए नेगेटिव, कुछ के लिए टैबू। सोशलिज्म का जो भारत के प्रीएम्बल में मतलब है उसका सिंपल अर्थ ये है कि जो सरकार होगी, जो स्टेट होगी, वो समाज के लिए काम करेगी, दैट इज इट। सेक्युलर, 42वें संविधान संशोधन से ये ऐड हुआ था, इसका सिंपल मतलब है कि हमारा जो राज्य है, हमारी जो स्टेट है, उसका कोई धर्म नहीं होता है और सारे के सारे धर्म समान है, सरल है। डेमोक्रेटिक, डॉक्ट्रिन ऑफ द पॉपुलर सॉवरेनिटी दैट इज पोजेशन ऑफ द सुप्रीम पावर बाय द पीपल, सरल बात है, लोकतंत्र है ये, जो असली में जो पावर होती है वो लोगों के पास है, किसी एक इंडिविजुअल के पास नहीं है, हेरिडिटरी कोई पावर नहीं होगी। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। रिपब्लिक जो वर्ड है टेक्निकली इसका मतलब ये होता है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा उसको चुना जाएगा, हेरिडिटरी नहीं होगा, वो मोनार्की नहीं होगी, बिना इलेक्शंस के नहीं होगा, चाहे डायरेक्ट इलेक्शंस हो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो। अब हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, डायरेक्ट इलेक्शन से आता है। हमारा जो स्टेट का जो हेड है, याद रखिए प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड है, स्टेट देश के जो हेड होते हैं वो है प्रेसिडेंट, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं पर चुने जाते हैं इलेक्शंस के द्वारा, हेरिडिटरी नहीं होता है। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये जो पांचों जो शब्द अभी हमने डिस्कस किए, ये स्टेट को बताते हैं, हम सॉवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं और एक रिपब्लिक हैं। किसी को भी बताना हो, आप अपने पूरे अपने देश के बारे में समझना चाहते हो तो ये पांच वर्ड जैसे ही ग्रहण कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद न्याय दिलाना है सबको, सोशल दिलाना है, इकोनॉमिक दिलाना है, पॉलिटिकल दिलाना है। एक बार रिपीट करता हूं, पॉलिटिकल न्याय दिलाना सबसे आसान होता है, क्यों, क्योंकि वो कानून न्याय होता है। जैसे ही आपने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दी, सबको पॉलिटिकली इक्वल कर दिया, 1 person 1 vote, जैसे ही आपने सारे के सारे मौलिक अधिकार दे दिए, वो सारे के सारे जस्टिशिएबल है, यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अगर कोई भी अधिकार का हनन होता है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी आना सबसे फर्स्ट स्टेप होता है अधिकारों में, एंड द इजिएस्ट वन टू अचीव। उसके बाद जो सोशल और इकोनॉमिकल है, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दैट वुड लीड टू रिसोर्सेज, पॉलिटिकल के लिए सिर्फ लीगल रिसोर्स चाहिए तो अचीवेबल है, सोशल और इकोनॉमिक के लिए और बहुत सारे से रिसोर्स चाहिए होते हैं, इसलिए उनको डाला गया है डीपीएसपी में, परंतु उद्देश्य है कि करना है, उसी की तरफ बढ़ते रहना है। लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, लिबर्टी का मतलब क्या होता है,
लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स। यूपीएससी 2019 में ही यह सवाल पूछा गया था। एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, सिंपल सा, कि भारत संविधान में जब लिबर्टी मेंशन होते हैं तो इस वर्ड का मतलब क्या, और फिर नीचे कुछ कुछ ऑप्शन दिए हुए थे और नीचे एक ऑप्शन में था द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजंस लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। यानी कि ये जो पांचों चीजें हैं इसके ऊपर आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रेन नहीं लगाया जाएगा, थॉट के ऊपर, आपके एक्सप्रेशन के ऊपर, आपके बिलीफ के ऊपर, फेथ के ऊपर और वर्शिप के ऊपर, नो रिस्ट्रेन। आप जो चाहते हैं वो कहें, आपको पूरी की पूरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इक्वालिटी, एबसेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में जो जो सवाल आए हैं वो जैसे ही हमारे अनुच्छेद नंबर मौलिक अधिकार डिस्कस होंगे इक्वालिटी के, वहां पर सारे के सारे क्लियर किए जाएंगे। फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड टू अश्योर टू थिंग्स द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ये वाली बात है, सरल बात है इसके अंदर, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। आप और मैं भाई हैं, जिनसे दुश्मनी है वो भी भाई है, बट उस ब्रदरहुड को जो छोड़ देते हैं वो बेसिकली हमारे संविधान के अगेंस्ट होते हैं। सिंपल बात है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप की लिबर्टी होनी चाहिए, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, भाईचारा। सिंगल सिटीजन इज मेंट टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। आप मराठी बाद में हैं, हरियाणवी बाद में हैं, बिहारी बाद में हैं, सबसे पहले आप भारतीय, सारे के साथ सेम भारतीय। प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं है, इस पर एक लंबा डिबेट चला। लेट्स सी दैट, ठीक है। एक केस है बड़ा फेमस सा, आपने कभी कभी जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के पुराने केसेस डिस्कस होंगे। डोंट वरी अबाउट इट, देयर सिर्फ और सिर्फ 15-20 केस हैं ये। आप कंफ्यूज मत हो जाएगी जी कि केसेस कैसे याद करेंगे। 15-20 केस हैं, उनकी एक लिस्ट बन जाएगी, एक लिस्ट बना लीजिए, दैट इज इट। अब एक केस हुआ था बैरूबारी यूनियन केस, केसेस के नाम याद करेंगे तभी आपको पता होगा। बैरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। अगर लॉ स्टूडेंट होते तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी के स्टूडेंट है तो आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि जिस दिन से संविधान बना और आज तक प्रीएम्बल पर एक मेजर डिबेट हुआ था कि वेदर इट इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में ये बोल दिया कि ये पार्ट नहीं है। उस केस का नाम हमें थोड़ा सा रटना पड़ता है, बैरूबारी यूनियन केस। उसके बाद 1973 में केशव नंद भारती केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 1995 में एक और केस था LIC वाला, उसमें भी स्पेसिफिकली कहा कि प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि प्रीएम्बल भारत संविधान का हिस्सा है या नहीं है, ये डिबेट शुरू हुआ था 1960 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बाद में जोड़ा गया है, कोई इस पर आर्टिकल तो लिखा नहीं हुआ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं। लेकिन केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को पलट दिया, बदल दिया, उससे बड़ी जजमेंट दे दी कि जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इस चीज को 1995 में असर्ट किया गया दोबारा से, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट। ऐसा नहीं है कि इसको बाहर से ऐसे ही अडेंडम की तरह लगा दिया गया है या बाद में याद करके आया था इसलिए कुछ ऐड कर दिया, ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल वॉज enacted by the Constituent Assembly after the rest of the Constitution was already enacted. Preamble बाद में add इसलिए किया गया था क्योंकि starting में बनाते तो समझ में ही नहीं आता कि Constitution के according है, यानी Constitution जब बन जाएगा तभी तो उसकी philosophy या summary दे सकते हैं। किसी चीज की summary बाद में ही बनती है, किताब लिखने से पहले कोई summary नहीं लिख सकता किताब की, तो hence once the Constitution was made it was later on उसके साथ उसने ऐड कर दिया गया था, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं किया है। तो जिन्होंने संविधान बनाया है उन्होंने ही इसको बनाकर संविधान के आगे रखा है, तो ये कैसे संविधान का पार्ट नहीं होगा, ये आर्गुमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, मेक सेंस। पर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो और चीजें बताई। पार्ट है संविधान का, कोई बात नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, परंतु इट इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। संविधान के द्वारा ना तो आप लेजिस्लेचर के ऊपर कोई रिस्ट्रेन लगा सकते हैं, ना ही वो इससे कोई एक्स्ट्रा फ्रीडम ले सकता है। इट इज पार्ट है, वहां पर पढ़ने के लिए है, ज्ञान बांटने के लिए, विजन देने के लिए है, अब अगर इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है।
संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स है उनके लीगल स्टेटस है, वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लेजिस्लेचर को, वो पावर प्रोवाइड करते हैं लेजिस्लेचर को। प्रीएम्बल इज नॉट दैट थिंग। प्रीएम्बल है, उद्देशिका है ये, लेकिन कोई लीगल स्टेटस नहीं है एज फार एज द लेजिस्लेचर इज कंसर्न। इट इज नॉन जस्टिशियबल, दैट इज प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे डीपीएसपी होता है, क्योंकि काफी सारे कॉम्प्लेक्स है ना इसके अंदर, इतनी सारी चीजें बहुत ही ओवर आर्किंग है। किसी भी चीज के ऊपर अगर इसको हम लीगली जस्टिशियबल में डाल दिया तो इट वुड बिकम अ ह्यूजली डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू इंश्योर कि इसकी सारी की सारी बातों को लीगली जस्टिफाई कर दिया जाए। हेंस इस चीज को दूर रखा गया है। सो ये गाइडिंग लाइट की तरह है, मशाल की तरह है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, जस्टिशियबल नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है। दूसरा एक सवाल बनता है कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं जा सकता है। ये जो डिबेट है कि प्रीएम्बल को अमेंड करना, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना, कौन कर सकता है, कितना कर सकता है, ये हमारे संविधान बनने के पहले 30-40 साल तक कई जगहों पर था। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, कौन से पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, सारे फंडामेंटल राइट हटा देगा पार्लियामेंट तो कैसा चलेगा, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट हटा सकता है या नहीं हटा सकता है, ये डिबेट है। ये कई सारी चीजों पर था, ठीक है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग विचार थे। कभी वो कहते कि फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, कभी उन्होंने बताया कि नहीं किया जा सकता है। अभी मोर और लेस पूरे के पूरे संविधान से रिलेटेड एक व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि संविधान में सारी की सारी चीजें अमेंड की जा सकती हैं, परंतु संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं किया जा सकता। ये इंडियन जुडिशरी की वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग नॉवल इन्वेंशन थी, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चैप्टर पूरा का पूरा सिर्फ इस पर होगा, डिटेल डिस्कशन। प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट द नो अमेंडमेंट इज डन टू द बेसिक फीचर्स। संविधान का कुछ बेसिक ढांचा है जिसके ऊपर वो बेस्ड है, बदल दिया आप इसके अंदर कुछ भी बदलाव कर सकते हैं प्रीएम्बल के अंदर, लेकिन कुछ ऐसी चीजों में बदलाव मत करना कि वो जो बेसिक ढांचा है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए। वो बेसिक ढांचा होता क्या है वो सुप्रीम कोर्ट बताती है कि वो बेसिक ढांचा क्या है। प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फॉर 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें तीन शब्द ऐड किए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सेक्युलरिज्म सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कई अलग अलग जजमेंट्स के द्वारा कि वो भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो ढांचे के अंदर आता है। तो कोई भी ऐसा बदलाव संविधान में जिससे भारत के सेक्युलरिज्म पर खतरा हो वो इलीगल होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानी जाती। सिमिलरली द सेम थिंग अप्लाइज टू द प्रीएम्बल। अब इसके बाद से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल स्टार्ट करता है। इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, छोटा सा एक तो आपको फैक्ट याद करना है कि इसमें कौन कौन से तीन वर्ड हैं, कौन सी अमेंडमेंट से वो ऐड हुए थे। उसके बाद दो केसेस के नाम याद करने हैं जो कि इसकी पार्ट होने के बारे में बताते हैं, एंड देन रिलेटेड टू द अमेनेबिलिटी, जहां पर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है। एंड दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल इज, नथिंग मोर देन दैट। इसको याद करके, रीड करके पढ़ जरूर लीजिएगा। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure its all citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among all fraternity, assuming the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our constituent assembly on this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. याद कर लीजिएगा, ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं आपके बहुत सारे पेपर्स में, मेंस में आंसर लिखने में काम याद आएगी, आपके काम आएंगे काफी सारी चीजें। लेक्चर 4 के अंदर हम आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल नंबर 4, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। बने रहिए, डू नॉट गिव, स्टे टिल द एंड फॉर दिस सीरीज, इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है या इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है, दिस इज द सोशल मीडिया, यू कैन हिट मी। बट मोर इंपॉर्टेंटली, इफ यू डू लाइक द वीडियो तो यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, इट विल गिव मी मोटिवेशन टू ब्रिंग यू मोर सच क्लासेस। याद है मुझे पूरा का पूरा प्रीएम्बल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।